हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है गोभी मसाला। जी हाँ, इस गोभी मसाला को आप केवल गोभी से भी बना सकते हैं, या फिर इसके साथ आलू भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर मटर भी मिक्स कर सकते हैं। केवल आप इसको गोभी से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, गोभी सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलती है, एक बार आप गोभी मसाला बना कर देखिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गोभी मसाला को सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा फूल गोभी का लिया था, जिसको मैंने मीडियम साइज़ के इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि सरसों का ऑयल है, वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो गैस का फ्लेम अभी हाई था, यहाँ पर मीडियम कर दीजिए। और ये जो फूल गोभी के पीसेस मैंने कट किए हैं, आप उसको यहाँ पर डालते जाइए। अगर आपको आलू भी डालने हैं, तो आलू के थोड़े से मोटे पीसेस रखिए, और वो भी आप फ्राई कर सकते हैं इसी तरीके से। फ्रेंड्स, जहाँ तक हो, ये सब्ज़ी आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा। सरसों के तेल में बनाने से इस सब्ज़ी में सौंधी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर इनको चलाते हुए आप इन गोभी को फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, गोभी का कलर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको गोभी को फ्राई करनी है, और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है हमारी गोभी, और गोभी का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, और 80% तक हमारी जो गोभी है वो पक भी गई है, फ्राई हो गई है। तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं गोभी को, और बाकी की जो हमारी गोभी है उनको भी फ्राई कर लेते हैं, और सब्ज़ी बनाना इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी जो गोभी हमारी फ्राई हो गई है, उसी ऑयल में अब मैंने यहाँ पर लिए दो लार्ज साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च स्लाइस में कटी हुई, इनको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने प्योरी बनाकर तैयार कर लिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो प्याज है उसमें एक तेज पत्ता डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाली है, 2 लौंग डाली है, और 2 काली मिर्च डाली है। इन प्याज के साथ ही इन खड़े मसालों को भी हम भून लेंगे। इस तरह से आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बिल्कुल हलवा स्टाइल की आपको ये सब्ज़ी लगेगी। आपको लगेगा कि बिल्कुल हलवाई नहीं ये सब्ज़ी बनाकर तैयार की है। तो ये देखिए, हमारी जब प्याज गोल्डन कलर की हो जाए, तो इस प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे, इन खड़े मसालों को भी हम बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। और जब ये प्याज ठंडे हो जाए, तो इन प्याज को हम पीसेंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताना भूल गई, जब हमने प्याज और हरी मिर्च डाली थी, तो अदरक का टुकड़ा भी डाला था। तो ये प्याज ठंडे हो गए थे, प्याज मैंने मिक्सी के जार में डाल ली है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी, और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर पुदीना पाउडर डाला है। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, और इसका एक पेस्ट ये देखिए मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और कढ़ाई में से थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल दिया है, और यहाँ पर मेरा 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल है, और इसमें मैंने जो टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार करी थी मिक्सी में, वो डाल दिया है। ढक दिया है मैंने डालने के बाद में, क्योंकि छींटे पड़ते हैं, इसलिए पहले इस टमाटर की प्यूरी को हमें भूनना है अच्छे से। तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से बिल्कुल भून गए हैं। आप देख सकते हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब जो हमारा प्याज का, खड़े मसालों का, अदरक का, हरी मिर्च का जो पेस्ट है हमने बनाया था, वो अब हम इस मसाले के अंदर, मतलब कि टमाटर के अंदर डालेंगे, और इस मसाले को हम भूनेंगे। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है अच्छे से, और जो मिक्सी के जार के अंदर पेस्ट रह जाता है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और ये मसाले के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, और अच्छे से इसको अब हम मसाले को हम भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस मसाले में थोड़े से हम सूखे मसाले डाल देते हैं। तो धनिया पाउडर डाला है मैंने, हल्दी पाउडर डाला है, और इसमें डाला है मैंने यहाँ पर
लाल मिर्च पाउडर, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा। और ये अपने अकॉर्डिंग आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इनका कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होता है। और ये लास्ट में मैंने डाला है भुना जीरा पाउडर, ये ज़रूर डालिएगा, नमक डालिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन सबको मसाले के साथ अच्छे से भून लीजिए। इस मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इस मसाले के अंदर से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भुना है। अब ये जो मैंने गोभी को फ्राई करके रखा था वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसमें अब मैं डालूँगी पानी, तो पहले मैंने थोड़ा ही पानी डालकर देखा है क्योंकि ये थोड़ा सा सूखी सब्ज़ी बनती है। टोटल मैंने इसमें एक कप, मेजरिंग वाले जो कप होते हैं वो एक कप पानी डाला है। आप इसमें गर्म पानी डालिएगा, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डालना है, ठंडा भी डाल सकते हैं पर गर्म पानी करके डालिएगा तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। और इसी तरीके से आप एक बार सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल यकीन नहीं मानेंगे कि ये सब्ज़ी आपने बनाई है। आपको लगेगा कि आप रेस्टोरेंट से लाए या फिर किसी हलवाई ने बनाई है। बिल्कुल मेरे स्टाइल में ये सब्ज़ी एक बार बना कर देखिए। तो अच्छे से हमारा जो पानी है वो मिक्स हो गया है, इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी जो हमारी गोभी थी वो थोड़ी सी हमें कुक और करनी थी। अब देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, कलर देखिए, टेक्सचर देखिए गोभी का, कितनी लाजवाब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हुई है। तो गोभी मसाला इसी तरीके से आप एक बार बना कर देखिए। ऊपर से हरा धनिया आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऊपर से मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है, हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए गरम मसाला और इसको आप सर्व कीजिएगा। इसको पूड़ी के साथ, कचौड़ी के साथ आप सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी गोभी मसाला हमारी तैयार हो जाती है घर पर ही, हलवाई जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।